हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मी एंड माय शैडो। अभी हम पहुंच चुके हैं बैंकॉक, और बैंकॉक से अभी हम जाएंगे गुरुद्वारा साहिब। यहाँ पर बैंकॉक में बहुत बड़ा, मतलब बहुत अच्छा गुरुद्वारा साहिब यहाँ पर बताया है। और यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए, जैसे हम पटाया में घूम रहे थे तो वहाँ पर टुक टुक लेना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर टुक टुक नहीं है। यहाँ पर घूमने के लिए आपको जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगी, जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के लिए जाने के लिए जो नॉन एसी बस हैं, तो वहाँ यहाँ पर मतलब एक एक दो दो किलोमीटर के में वो पड़ते हैं, बस स्टॉप पड़ते हैं, तो उसके लिए 10 थाई भाट आपको चार्ज करना पड़ता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। अगर आप एसी बस लेते हो तो उसका थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा होता है। लेकिन एक बात मैंने बैंकॉक में देखने के लिए मिली, जितना मतलब हमें पटाया में मज़ा आया था और वहाँ इतना मज़ा यहाँ पर नहीं आया हमें। और यहाँ पर हमें जाम का बहुत ज़्यादा मतलब सामना करना पड़ा। और अभी हम जाएंगे, यहाँ श्री गुरु सिंह साहिब गुरुद्वारा है बैंकॉक में, और हम हमारी काफ़ी इच्छा है कि विदेश में मतलब गुरुद्वारा हम देखें, तो अभी हम वहां जाएंगे। और कैसा है यहां का सिंह साहिब गुरुद्वारा वो हम आपको आगे दिखाते हैं। और जो ये गुरुद्वारा साहिब है यहाँ का, यहाँ जो इंडियन मार्केट है इसकी एक साइड, मतलब जो फ्रंट साइड में यहाँ पर चाइना टाउन मार्केट है और बैक साइड में इंडियन मार्केट है। अभी पिछले स्टॉप पे बस से उतर गए थे और हम चाइना टाउन मार्केट से होते हुए यहाँ मतलब गुरुद्वारा साहिब जाएंगे। और ये जो चाइना टाउन मार्केट है यहाँ की, ये काफ़ी फेमस मार्केट इधर है, और इसमें आपको होल सेल, ये यहाँ की होल सेल मार्केट है, होल सेल प्राइस में आपको यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी। और जो मतलब काफ़ी मेरे को चीप लगी, एक्सपेंसिव नहीं थी। और यहाँ से आप मतलब हर आइटम आपको यहाँ पर मिलेगा, कपड़े जूते सब, मतलब यहाँ पे कॉस्मेटिक सारा सामान होल सेल प्राइस में आपको यहाँ मिलेगा। अगर आप यहाँ से शॉपिंग करना चाहते हो तो शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वो है सिंगल पीस ये नहीं देते हैं, सब होल सेल में देते हैं, तो बंचेज में ये देते हैं। तो गुरुद्वारा सिंह साहिब का एड्रेस है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आपको जाना है तो आप डायरेक्शन लगा कर जा सकते हैं। और यहाँ कहीं से भी आप पूरे बैंकॉक के अंदर कहीं से भी आपको इजीली बस मिल जाएगी गुरुद्वारा सिंह साहिब के लिए। और यहाँ पर बहुत अच्छा इनका प्रोग्राम है, ये लंगर वगैरह चलता रहता है, तो हमारा भी काफ़ी मन था भी हम सिंह साहिब के दर्शन करके और लंगर चखे आए। और ये हम पहुँच चुके हैं गुरुद्वारा सिंह साहिब, ये देखिए। बहुत अच्छा गुरुद्वारा यहाँ पे बना हुआ है, बाहर गेट पर ही रखा हुआ है जिसमें आपको एंट्री करनी होती है। तो ये बैंकॉक का सबसे पुराना गुरुद्वारा इधर है, इसमें दी हुई है अगर कोई मतलब हैंडीकैप है तो उसके लिए गेट के फ्रंट पे व्हील चेयर वगैरह रखी हुई है। सिंह साहिब की सेवा में जो थाई सरदार हैं वो हैं, और थाई महिलाएं इधर लंगर वगैरह बनाती हैं, और काफ़ी साफ़ सफाई, काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट इन्होंने की हुई है गुरुद्वारा में। और बहुत बड़ा गुरुद्वारा ये है यहाँ का, ये बैंकॉक का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। और बहुत अच्छा लगता है जी जब जो इंडियन हैं, हमारे इंडियन सरदार हैं, और गुरुद्वारा साहिब मतलब विदेशों में भी इतना मतलब नाम है और इनकी वो की जाती है, तो काफ़ी अच्छा मेरे को ये सब देख के लगया। हम पिछले 4 दिन से थाईलैंड में घूम रहे हैं, बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमने देखे हैं, पब्लिक प्लेस भी देखे हैं, तो कहीं पे भी आपको पानी नज़र नहीं आएगा, जैसे हमारे इंडिया में है हर जगह वाटर कूलर वगैरह रखे होते हैं, तो हर जगह आपको पानी खरीदना ही पड़ेगा। लेकिन एक ये गुरुद्वारा साहिब ऐसे था जहाँ पर जाके हमें वाटर कूलर मिला, और बहुत अच्छा मतलब हम एक तरह से ये लग रहा था हम काफ़ी दिन से प्यासे हैं, और यहाँ पानी पी के हमें बहुत अंदर से शांति फील हुई। देखिए बहुत अच्छा, बहुत साफ़ सुथरा, और बहुत अच्छी डेकोरेशन इन्होंने की हुई है, जो यहाँ की बैंकॉक की जो महारानी है उसका जन्मदिन मनाया गया था, तो इसलिए इन्होंने गुरुद्वारे की काफ़ी अच्छी डेकोरेशन की हुई है। और जो सामने फ़ोटो रखा हुआ था वो यहाँ की महारानी का था जी। यहाँ जूते उतार के आप यहाँ की जो 4th फ्लोर के ऊपर है वहाँ पर गुरुद्वारा सिंह साहिब जी विराजमान है, वहाँ हम यहाँ पर जूते जमा करवा के वहाँ दर्शन करने के लिए जाएंगे।
यहाँ के बहुत ज्यादा शांति मिली है। प्रसाद लेती हूँ। बेटे मम्मी को दे दो, मम्मी को दे दो, ये लो मम्मी को दियो। यहाँ की देखो कितनी अच्छी बात है, इतनी दूर आके भी मतलब बहुत शांति हमें गुरुद्वारा में मिली है। और ये जो गुरुद्वारे के केयर टेकर थे, इन्होंने खुद आके हमें बोला कि यहाँ पे भी लंगर चलता है और अब लंगर चख के जाना जरूर। यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे लंगर चले हुए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे। तो जी अभी हम आज के सेकंड फ्लोर पे और यहाँ पे चले हुए लंगर, अभी हम लंगर चख लेते हैं। अभी हम यहाँ पे लंगर चख लेते हैं। देखिए पूरा इंडियन खाना इधर बना हुआ है और सेल्फ सर्विस है। हमारे इंडिया में जैसे एसी है उस पर फर्श पे बिठा के देते हैं, लेकिन यहाँ पे सेल्फ सर्विस है। और जी ये हमें यहाँ मिली चाय, कई दिन में चाय मिली है, बहुत अच्छी चाय है। और सिर्फ इंडियन ही नहीं, लंगर चखने के लिए यहाँ पर बहुत सारी कंट्री से बंदे आते हैं। ये देखो हमारे पीछे जो है ये अंग्रेज हैं, इन्होंने भी यहीं पे लंगर किया है अभी। तो गुरुद्वारा साहिब की ये सबसे अच्छी खासियत है जी, मतलब जहाँ पे भी गुरुद्वारा है ना, वहाँ पर कोई बंदा भूखा नहीं रह सकता। और दूर दूर से मतलब ये बोला जाता है स्पेशल सरदारों की तरफ से भी, अगर आपको भूख लगे तो हमारे गुरुद्वारा ज़रूर आना, जो सिख धर्म की सबसे अच्छी बात है। गुरुद्वारे में टॉयलेट भी बहुत अच्छा है, ये देखो बिल्कुल फ्रेश और रियल फ्लावर इन्होंने रखे हुए हैं, मतलब बहुत प्यारे खुशबूदार फूल इन्होंने टॉयलेट में रखे हुए हैं। देखो बहुत साफ सुथरे टॉयलेट इधर हैं, मेरे को ये फूल बहुत पसंद आए, बाथरूम में बिल्कुल रियल फ्लावर रखे हुए हैं। तो जी आप भी बैंक को घूमने आओ तो गुरुद्वारा साहिब जरूर आएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।